नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट भी हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम जानेंगे कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया तो तीव्र गति से चल रही है, लेकिन किन विभागों में कितने शिक्षकों के पद का सृजन किया जाएगा, किन विभागों में भर्तियां की जाएंगी। तो अंत तक दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो जानिए दोस्तों, किन विभागों में कितने मौके आपको मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट है कि 41,506 प्रधान शिक्षक की वैकेंसी आएगी। 1.22 लाख हाई स्कूल शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं देखिए दोस्तों, लिखा है कि 25,000 स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन नर्स की नियुक्ति होगी। 75,000 बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली होगी। 80,257 शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में होंगे, तो 10,000 विशेष शिक्षकों की भी बहाली होगी। 5,000 विश्वविद्यालय में तृतीय वर्ग के कर्मी होंगे, तो 16,000 प्रयोगशाला सहायकों की भी बहाली होगी। 80,000 कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, तो 5,000 रिक्त पद कृषि विभाग में भरे जाएंगे। 24,000 इंस्ट्रक्टर की ITI में बहाली होगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, 61 प्रोफेसर व सब प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज में बहाल होंगे। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से लिखा है कि जानिए किस विभाग में कितने मौके हैं, इन पदों के रिजल्ट इस साल। देख सकते हैं, 553 सहायक अभियोजन पदाधिकारी, 107 टाउन प्लानर सुपरवाइजर, 55 CDPO। तो इसमें आप देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप देख सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों, 1.22 लाख हाई स्कूल शिक्षक की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। 25,000 स्वास्थ्य विभाग में, और देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, नीचे अगर हम आएँ तो 80,257 शिक्षक प्रारंभिक स्कूलों में बहाल होंगे। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दे सकते हैं लिखा गया है। वहीं देखिए, 80,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भी बहाली होगी। तो इस प्रकार से हम आप सभी को बता दें कि एक कैलेंडर जो है शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है कि कहाँ और किस विभाग में कितने पदों का सृजन किया जाएगा और कितनी बहालियाँ जो हैं पूरी होने जा रही हैं। वहीं दूसरी ओर स्पष्ट किया गया है कि पुलिस महकमे में 75,000 नियुक्तियां होंगी। नौकरी हर बिहार युवा का सपना है, और नौकरियां कभी प्रश्न पत्र लीक में फंसी हैं तो कभी न्यायालय के दायर अपील में वैकेंसी ही फंस गई हैं। 2023 में अब धीरे धीरे सभी वैकेंसी पटरी पर आती दिख रही हैं। सातवें चरण के तहत प्रारंभिक से लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 2 लाख शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। करीब 75,000 पुलिस की बहाली संभावित है। स्वास्थ्य विभाग में 1 लाख से अधिक बहाली की तैयारी है। इन पदों के रिजल्ट इस साल जारी होंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, स्पष्ट लिखा है कि पुलिस महकमे में 75,000 नियुक्तियाँ होनी है, लेकिन अगर हम बात करें शिक्षा विभाग में तो एक कैलेंडर जारी कर दिया है। स्पष्ट बातें बता दी गई हैं कि इतनी बहालियाँ जो हैं वो होने जा रही हैं। दूसरी ओर देखें तो शिक्षा शासन नर्सिंग व पुलिस सहित विभिन्न विभागों में इस साल 4 लाख से अधिक नई वैकेंसी की उम्मीद है। तो स्पष्ट कह दिया गया है, शिक्षा को भी इसमें जोड़ा गया है, और स्पष्ट रूप से हर महकमे में बड़ी बहाली होने जा रही है। तो CM नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुखिया के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं, जो कि हर क्षेत्र में बड़ी बहाली करने जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 27 तारीख को जो कैबिनेट की बैठक है उससे क्या कुछ मसला सामने उभर के आता है, और हमारी जो बहाली है उसको क्या दिशा जो है वो मिलती है। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे अधिक 1.25 लाख रिक्तियां हाई स्कूल शिक्षकों की। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, स्पष्ट यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये यहाँ पे आप ज़रा गौर फरमाइए, लिखा है कि सबसे अधिक, स्पष्ट रूप से देखिए यहाँ पे दोस्तों लिखा है कि सबसे अधिक 1.25 लाख रिक्तियाँ हाई स्कूल शिक्षकों की है। तो स्पष्ट रूप से शिक्षकों की बात करें, हर जगह ये बात कही जा रही है कि शिक्षकों के रिक्त पद बहुत ज़्यादा हैं। तो नियुक्तियाँ देखिए बम्फर होने जा रही हैं, और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि किस महकमे में कितने रिक्त पद खाली हैं वो आप जान लीजिए। शिक्षा शासन नर्सिंग व पुलिस सहित विभिन्न विभागों में बम्फर नियुक्तियाँ होने जा रही हैं। तो ये नियुक्ति का एक बड़ा साल है दोस्तों, और बम्फर नियुक्ति होकर
होकर ही रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।